हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर को लेकर पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है और अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गैंगरेप के आरोपियों को 6 महीने में फांसी की सजा देने की मांग को लेकर आज से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठेंगी स्वाति मालीवाल। अनशन पर बैठने से पहले स्वाति मालीवाल राजघाट पहुंची और बापू को याद किया। स्वाति मालीवाल ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर पीएम को चिट्ठी भी लिखी है। तो जिस तरह से फिलहाल देश में गुस्सा है हैदराबाद हत्याकांड और इस मामले को लेकर, उसके चलते आमरण अनशन से पहले राजघाट स्वाति मालीवाल पहुंची जहां उन्होंने बापू को याद किया। तो स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी को महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर चिट्ठी भी लिखी है। तो ये तस्वीरें कि किस तरह से देश भर में गुस्सा है और महिलाओं को सुरक्षा देने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन अपराधों में कमी नहीं हो रही है। और हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई और जलाकर उसकी हत्या कर दी, और ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पहुंच चुकी है स्वाति मालीवाल। See, this is increasing impunity, increasing arrogance, no fear of law, and there is no deterrence. Yes, the police have registered an FIR, but we would like to have had that life preserved, that life could have been saved. And we need to ask this question, why is it that we are not able to do it? People talk about education, reformation, changing mindsets, all that is fine. But until and unless there is fear of law, there is deterrence, these incidents will continue to happen. Strong and clear message has to go. If the victim has been raped and murdered, there is swift, certain capital punishment.